हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज डॉक्टर हिना जावर. वेलकम टू टेक्सटबुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल. स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखे बिना प्लीज एग्जाम फॉर्म को फिल बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपको सिर्फ और सिर्फ उसका नुकसान उठाना पड़ेगा. सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एक बार जरूर चेक कर ले बिफोर फिलिंग योर एग्जामिनेशन फॉर्म. तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, आपका एग्जाम फॉर्म आउट हो चुका है. 20 अप्रैल से 10 मई तक आपके पास टाइम दिया गया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है. लेकिन जो सबसे बड़ी चीज सामने आ रही है वो ये आ रही है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ 16 जून को दिया हुआ है. क्या इस बार सारे एग्जाम्स एक साथ एक दिन होने जा रहे हैं, जो कि पहला बड़ा सवाल आ चुका है कि यस, इस बार अगर तो ये टाइपिंग एरर है तो ऐसा कोई अपडेट आ जाना चाहिए. बट अगर ऐसा कोई अपडेट नहीं आता, दैट मीन्स इस बार सारे एग्जाम्स एक साथ एक ही दिन 16 जून पर हो रहे हैं. दूसरी बड़ी बात ये है कि इस बार जो आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में नहीं होकर ऑफलाइन मोड में है, यानी कि आप जाएंगे एग्जाम सेंटर, जाएंगे एग्जाम सेंटर जाएंगे, वहां पर जाके आपको OMR शीट फिल करनी पड़ेगी. यानी ये जो टेक्निकल किच का बार बार इशू आता था, बच्चे स्क्रीन स्क्रॉल करते थे, क्वेश्चन पूरा नहीं दिखता था, जिस वजह से आपका टाइम वेस्ट होता था, उससे बेटर ऑप्शन है कि आप वहां जाइए, आपको टिक करके आना है. बट बड़ा सवाल ये है कि आपने ये नया नोटिस देखा है, इस नए नोटिस के तहत आपको मालूम है कि अगर आपने PhD में अप्लाई करना है तो आपका जो स्कोर है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा. क्लियर? उन्होंने क्लियरली लिखा है इट विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर. अगर आप, मैं इमेज को हाइड कर रही हूँ, अगर आपने ध्यान से वर्ड देखा होगा तो इट इज रिटन कि आपका, अगर आपने PhD में एडमिशन लेना है तो आपका जो स्कोर है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है. तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप फोर्थ ईयर में हैं या फिर अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, प्लीज आप तभी एग्जाम के लिए अप्लाई कीजिए, वरना इस बार अप्लाई मत कीजिए. बिकॉज अगर आपका एम JRF है, आप अप्लाई करिए. अगर आपका एम नेट है, आप करिए. लेकिन अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि PhD का स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है. यानी मान लीजिए इस समय आप सेकेंड ईयर में, ठीक है, और अभी आपका थर्ड ईयर पड़ा है. अगर आप पेपर क्लियर कर लेते हैं, JRF के लिए क्लियर कर लेते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको 3 साल का समय मिलता है अप्लाई करने के लिए PhD के लिए, ठीक है. अगर आप नेट क्लियर कर लेते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, नेट का सर्टिफिकेट और JRF तो वैसे ही वैलिड रहता है. लेकिन JRF आपको अवेल करने का समय 3 साल दिया जाता है. लेकिन अगर आप PhD के मकसद से इस पेपर में बैठ रहे हैं तो मेक श्योर ये आपका लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर हो, क्योंकि जब तक आप अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे ऑलरेडी 2-4 महीने 6 महीने निकल गए, तो आपका इस पेपर को दोबारा देना पड़ जाएगा. तो जैसे कि जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो सेमेस्टर वाइज अगर मैं देखूं, आपके थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, प्लीज एग्जाम में मत दीजिएगा. 7 और 8 सेमेस्टर वाले दीजिए या फोर्थ ईयर वाले दीजिए, तभी आपको बेनिफिट है. और अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो अगर आप सेकंड ईयर में, अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तभी आप इस एग्जाम में बैठिए, बिकॉज PhD का स्कोर सिर्फ 1 ईयर के लिए वैलिड है. अगर आप सेकंड ईयर के अंदर हैं, अगर आप मान लीजिए बैचुलर्स के स्टूडेंट्स हैं और आप सेकंड ईयर में हैं, आप जब तक डिग्री कंप्लीट करोगे स्कोर की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी. और जो आपका नया नोटिस UGC के चेयरमैन जी ने पास किया है कि अब अगर आपने 4 साल वाला बैचुलर कोर्स किया है तो आप डायरेक्टली नेट के लिए जा सकते हो, वो इसी रीजन से हुआ है. इसी रीजन से आप देखिए इसके बीच में क्या रिश्ता है कि पहले PhD का नोटिस आया और अब आपका इस चीज का नोटिस आया कि अगर आप फोर्थ ईयर के अंदर हैं, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप डायरेक्टली PhD के लिए जा सकते हैं. यही रीजन है कि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि फोर्थ ईयर के बच्चे एलिजिबल है कि वो उसके बाद जा सकते हैं. वरना अगर आप थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में, और आप इस पेपर में बैठते हैं, इसको क्लियर भी कर लेते हैं, तो उसका यूज नहीं रहेगा. JRF है तब ओके है, नेट है तब ओके है, लेकिन अगर आप उस स्कोर को PhD के लिए यूज करना चाहते हो तब नॉट ओके है, क्योंकि वो स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है. तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में इस पेपर के लिए बैठे, वरना अगर आपका पेपर क्लियर हो गया और अभी आपकी पहले की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो आपको PhD के लिए दोबारा पेपर देना पड़ जाएगा, क्योंकि उस स्कोर की वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी. क्लियर? अब इस रीजन, इसके पीछे क्या रीजन है कि उन्होंने फोर्थ ईयर वाले बच्चों को PhD के लिए अपियरिंग बना दिया,
इसका साफ मतलब सिर्फ यही है कि वो स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। अब ये ना रहे कि मास्टर्स करने के बाद आप पीएचडी में जा रहे हैं, क्योंकि 3 साल की पहले आपको बैचलर्स कराई जाती है, जो फोर्थ ईयर इसमें ऐड हुआ था वो आपको रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए हुआ था, जैसा कि आप मास्टर्स में करते थे। इसलिए अब 4 साल की बैचलर्स के बाद उन्होंने डायरेक्टली आपको पीएचडी का रास्ता खोल दिया, बिकॉज आप फोर्थ ईयर में प्रैक्टिकल और अपना रिसर्च वर्क का मिनिएचर कर कर आते हैं, ताकि आप आसानी से रिसर्च कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, आप जिस भी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो, जिस भी सब्जेक्ट में आप आगे पीएचडी करना चाहते हो, आप उसी सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम दें। मान लीजिए आपने बायोलॉजी करी है और केमिस्ट्री एडिशनल पढ़ा है, बट अगर आपको केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है और आप उसमें फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो आपको जो नेट का एग्जाम है केमिस्ट्री में देना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए आपने इंग्लिश भी पढ़ी है और हिस्ट्री भी पढ़ी है, अब अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश में नहीं यार, मुझे हिस्ट्री में करियर बनाना है, तो मेक श्योर आप पीएचडी हिस्ट्री में करना चाहते हैं, तो आप नेट का एग्जाम भी उसी सब्जेक्ट में दीजिए जिस सब्जेक्ट में आप आगे करियर बनाना चाहते हैं। क्लियर? तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जिस भी सब्जेक्ट में आप अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, प्लीज उसी सब्जेक्ट में अपना नेट का एग्जाम दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप ये वीडियो आपको सही लगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। प्लीज ड्रॉप योर फीडबैक। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।